देश और समाज की एक भयंकर समस्या जल, जिसका भविष्य में बहुत कम होने का अंदेशा है और जल वैज्ञानिक जल के नाम पर विश्व युद्ध की बात करते हैं। मैं पिछले 5 साल से बच्चों के माध्यम से विद्यार्थियों और जनता को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पानी की कितनी कमी है, हम उसे कैसे बर्बाद करते हैं, उसे क्यों बचाना आवश्यक है और उसकी कितनी महत्ता है। इस अभियान को मैंने 2008 में शुरू किया था और निरंतर अभी मैंने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया है और दिन रात मैं इसके बारे में सोचता हूँ और इस पर काम करता हूँ। बिन पानी सब सून पुस्तक मेरी का विमोचन राज्यपाल महोदय ने किया था, एक जल चालीसा लिखी है जिसकी 10,000 प्रतियां बढ़ चुकी हैं और अभी तीसरा संस्करण 5,000 प्रतियां प्रेस में है। मैं ये प्रयास करता हूँ दुनिया जानेगी तभी मानेगी, यानी लोगों को ये बताया जाए कि वास्तव में हम पानी को किस प्रकार से बर्बाद करते हैं। अनजाने अनजाने लोगों को ये समझ ही नहीं कि पानी का महत्व क्या है। इसी बात का प्रयास मैं निरंतर कर रहा हूँ और मुझे सब लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। मैं पहले जैसे विद्यार्थियों के माध्यम से अब तक लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज के माध्यम से या मुझे कहीं कथा कीर्तन में भी बोलने का मौका मिले, किसी संस्था में मैं किसी भी रूप में जाऊं और वहां बोलने का मौका मिले तो मैं जल का महत्व और उसकी बचत के बारे में अवश्य बताता हूं। एक पुस्तक जो मेरी मैंने अभी बताया 6,000 प्रतियां उसकी बढ़ चुकी हैं, जल 40,000 बढ़ चुका है। एक पैम्फलेट मैंने जल बचत जल विद्युत बचत अभियान के नाम से छपवाया है और लगभग 1,30,000 पैम्फलेट बढ़ चुके हैं विद्यार्थियों के माध्यम से उनके घरों में भेजता हूँ। 500 बैनर 2 फुट बाई 3 फुट के जिसपे ये संदेश है कि पानी क्यों बचाया जाए और कैसे बचाया जाए, ये भी सार्वजनिक स्थानों पर लग चुके हैं। मैं देश के किसी भी कोने में जाऊँ उस बात को वो जल चालीसा पैम्फलेट मेरे साथ होते हैं, रेलगाड़ी में हवाई जहाज में। हमारा जीवन समाप्त हो जाता है,
पेड़ पौधे जीव जंतु सभी के लिए जल का बहुत अधिक महत्व है। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपने सरकार की शुरुआत 2008 में विवेकानंद स्कूल से ही आरंभ की थी। पुराने स्कूल में पहली बार मैंने अपने सरकार की शुरुआत की और 5 साल समुदाय का इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। लाखों विद्यार्थियों को, जनता को टीवी और दूरदर्शन समाचार पत्रों के माध्यम से अब तक लाखों लोगों को जल बचत और पर्यावरण के लिए संदेश दे चुका हूँ। Pay attention.